मुजफ्फरनगर में हाईवे पर एक दर्दनाक और चौंकाने वाला सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने सवारियों से भरी एक बस में टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का संतुलन ही बिगड़ गया और बस पलट गई। राहत की बात यह रही कि बस में सवार लोगों को सिर्फ मामूली चोटें ही आई। यह हादसा टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते यहां बस पलट गई, वहीं कार के भी परखचे उड़ गए। राजस्थान के झुंझुनू में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई। दोनों ही पक्षों की तरफ से लोगों ने लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बेरहमी से एक दूसरे को लाठियों से पीटा जा रहा है और इसमें लोग लहूलुहान भी हुए हैं। पुलिस को फोन कर बुलाया गया लेकिन लोगों का गुस्सा पुलिस पर ही फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि फोन करने के बाद भी पुलिस काफी देर से यहां पर पहुंची। अमृतसर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चोरी की वारदात को अंजाम देने में थोड़ा भी नहीं कतराते। मामला अमृतसर के बाजार में से ही सामने आया है जहां पर दो चोर एक मोबाइल वाली दुकान से मोबाइल लेकर कैसे रफू चक्कर हो जाते हैं वो इन तस्वीरों में देखिए। बाजार में आए दो युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर आते हैं। दोनों में से एक बुलेट के ऊपर ही बैठा रहता है और दूसरा दुकान के अंदर जाकर दुकानदार से मोबाइल दिखाने के लिए कहता है और वो मोबाइल से सेल्फी लेने के चक्कर में दुकान से बाहर निकल आता है और फिर बुलेट पर बैठकर दोनों ही वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लोग दोनों के पीछे दौड़ते हैं लेकिन तब तक वो दूर भाग निकले। हिमाचल प्रदेश में मंडी के विक्टोरिया ब्रिज के नजदीक शाम के समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक ट्रक में ले जा रही एलएनजी मशीन में ही आग लग गई। बताया जा रहा है कि जब मशीन विक्टोरिया से आगे की ओर से गुजर रही थी तो उस समय बिजली के हाई वोल्टेज तारों से टकरा गए जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और मशीन में आग लग गई। रोड के दोनों तरफ भारी जाम लग गया। लोगों की भीड़ मशीन में लगी आग को देखने के लिए वहां पर उमड़ पड़ी। बाराबंकी पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापामारी के दौरान पुलिस ने 51 पिस्टल 60 कारतूस समेत भारी संख्या में असला बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने जिले के कई थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 37 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के लातूर में कल दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इस पर रिपोर्ट मांगी है। लातूर में प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटरों से वोट डालने की अपील करते हुए पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र किया था और बाद में चित्रदुर्ग की रैली में भी प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी जिस पर कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। हम आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वो हिस्सा जिससे लेकर विवाद खड़ा हुआ है। फर्स्ट टाइम वोटरों को क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और इसी पर संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है जिस पर रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी के गोंडा लोकसभा सीट से गठबंधन के उम्मीदवार विनोद कुमार पंडित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। गोंडा से धानेपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विनोद कुमार पंडित ने कहा कि मोदी झूठे हैं और अमित शाह बदमाश आदमी है। पंडित सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश पर कब्जा करना चाहते हैं और अगर ये फिर से सत्ता में आ गए तो अगले 25 साल तक कोई चुनाव होगा ही नहीं। ये झूठा मोदी और ये अमित शाह अगर दोबारा आएंगे तो कानून बना रहे हैं
कि जो मैंने 25 साल चुनौती लगा, ये नेता आएंगे, ये बदमाश है, बदमाश ढाई ढाई साल से जेल में रहे है। ये बताओ शरीफ भाई साहब, अगर घुमे के एलम कह दी जाए तो कैसे फिर दोस्ती हो जाए? अगर ऐसा ढाई ढाई साल कहा किया है, तीन तीन साल, तो बताओ कितने शरीफ से इनके संबंध हुए? ये बदमाश लोग हैं, ये गिरोह बनाए लेंगी जो हम देश पर कब्जा करना चाहते हैं, और की अगर ये दोबारा मौका पाएंगे तो ये कानून बदल रहे हैं, वोट के आधार सबके अधिकार खत्म कर रहे हैं, और कहीं कबो चुनौवा न हो जो जीते हुए 25 साल है। ये इनका हराओ जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, गरीबों के उत्थान के लिए, सर्व समाज के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उस संविधान को कायम रखने के लिए मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है।